हेलो फ्रेंड्स, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो अभी नए कुछ टेंडर्स में अपडेट्स आए हैं। आज बेसिकली हम दो नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि कोई भी साइट आप जाएंगे, जैसे महा टेंडर्स के साइट पर यदि हम बात करते हैं, तो महा टेंडर्स के साइट पर सबसे पहला ऊपर में हाईलाइट होके हुआ आ रहा है जा टू बीड ओपनर्स टू अप टू विल बी डिसकंटिन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्च से ये टू अप टू बिल जो बीड ओपनर है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आगे का क्या रहेगा और ये टू अप टू होता क्या है जिनको पता ही नहीं है, ये इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और वहां पे और एक आ रहा है जो बीडर हु यूजिंग SBMBPS बैंक इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट टू मेक पेमेंट 4 days इन एडवांस। पहले ये जो पेमेंट मोड था ये आपका पहले 2 days का था, अभी ये 4 days का कर दिया गया है। तो ये दोनों के पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपने जो डिजिटल सिग्नेचर हम यू बनाते हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर 20 फरवरी से, मतलब अभी 8 दिन पहले 20 फरवरी से ये डिजिटल सिग्नेचर, इंडिविजुअल का जो डिजिटल सिग्नेचर हम बनाते थे वो अभी आपका पेपरलेस हो चुका है। मतलब अभी आप पेपर वाला DSC नहीं बना सकते। तो ये दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टू अप टू, जो टू अप टू है ये क्या है, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है टू अप टू बीडर्स जो है 1 मार्च से बंद हो जाएगा, ये नया अनाउंसमेंट आया है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होने वाला है आगे, तो इसके लिए छोड़ के टू, सिर्फ यहाँ पे टू अप टू ही बंद हो रहा है, ये छोड़ के भी 4 of 3, 4 of 2, 3 of 2 ये सब अवेलेबल है। सिर्फ जो 2 लोगों को 2 लोग ओपन करने वाले थे वही बंद हो रहा है। मतलब आपको अभी जो बीडर, अभी आप जब टेंडर पब्लिश करते हैं तो वहां पे जो भी टेंडर ओपनर्स है वो 2 ही लोग हम करते थे, जनरली ग्राम सरपंच और ग्राम सेवक का करते थे। तो अभी आपको वहां पे उससे ज्यादा करवाना पड़ेगा, कम से कम 3 लोगों को रखना पड़ेगा। हाँ, 2 लोग ही खोल सकते हैं अभी भी, पर 3 लोगों में से कोई 2 लोग खोल सकता है। पहले कैसा था, 2 लोगों में जो हम 2 लोग चूज करते थे उसमें ही 2 लोगों को खोलना है, अभी ऐसा नहीं कर सकते। अभी कम से कम आपको 3 लोगों को चूज करना है, उसमें से कोई भी 2 लोग खोल सकते, या फिर 4 लोगों को चूज करेंगे उसमें से कोई 2 लोग खोल सकते, या फिर 3 of 3, 3 लोगों को जो चूज करेंगे उसमें से 3 लोग खोलेंगे। इस तरीके से अभी चेंजेस हो रहे हैं। तो जो 2 अभी आपके पास जो ग्राम सरपंच और सरपंच थे, ग्राम सेवक और सरपंच, उसमें से क्या था, मैं जनरली 2 of 2, मतलब वही 2 लोग थे। तो अभी केस में अभी आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप जो ग्राम सेवक है, आप मल्टीपल एक ग्राम जो मल्टी वो दूसरे ग्राम सेवक को भी आप यहाँ पे अथॉरिटी दे सकते हैं, एक से ज्यादा ग्राम सेवक को वहां पे, या फिर आपके जो रहेंगे लोग जैसे कि डेटा ऑपरेटर होता है JDP में, उनको आप दे सकते हैं। बीड ओपनिंग का कुछ कमेटी वगैरह होता है उन लोगों को आप दे सकते हैं, और नहीं तो भी आप वहाँ पे जो उप सरपंच होता है उनकी भी अथॉरिटी, पर ये अभी तक पूरी पूरी से डिक्लेयर नहीं हुए हैं किसको देने वाला है। पर इन लोगों को आप BDO का साइन के अप्रूवल होने के बाद, उनका फॉर्म सबमिट करने के बाद, उनका आप एक अप्रूवल अथॉरिटी के लिए बना सकते हैं बीड ओपनर्स के तौर पर। और जो बैंकिंग का था, ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग का, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्सिस बैंक से, दूसरे बैंक्स में जनरली उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते, फिर भी आपको क्या बोल रहा है अभी मैंडेटरी, पहले ये 2 days का था अभी ये 4 days कर दिया। जब ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको एटलीस्ट 4 days पहले आप पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ऐसा इसमें बताया गया है, जो आपको 4 days पहले आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़े, जिससे आपको यदि पेमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो इजिली सॉर्ट आउट हो जाए। यदि आप दूसरे SBI में करेंगे या दूसरे बैंकिंग में करेंगे तो जनरली ज्यादा प्रॉब्लम आता है, 2 days में सॉल्व हो जाता है, फिर भी नया उसने डाला है 4 days से। यदि आपको कोई भी टेंडर भर रहे हैं तो आप प्लीज उनको 4 days पहले पेमेंट करो, ताकि आपको पेमेंट की इशूज जो है वो नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन हम आते हैं जो 20 फरवरी से आपका जो DSC है वो पेपर वाला बंद हो चुका, तो अभी क्या है, पेपरलेस। तो पेपरलेस जो DSC है वो 2 तरीके से बनता है, एक आधार बेस्ड और एक पेन बेस्ड। दोनों के वीडियो के मैंने दोनों के ऊपर वीडियो बनाए, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कैसे बनाते हैं आधार बेस्ड और पैन कार्ड बेस्ड। तो आधार बेस्ड तो पहले से भी चालू था, पैन कार्ड अभी नया आया है 1 month से। पैन कार्ड जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है उनको पैन बेस्ड बनाना होगा, इससे सभी का DST जो इंडिविजुअल DSC है वो सबका बना सकते हैं। जो इंडिविजुअल DSC है वो नहीं बन पाएगा अभी आगे से, अब वो आपका पेपरलेस बंद हो चुका, अभी आपको इंडिविजुअल DSC सिर्फ ओनली पेपरलेस ही बनाना पड़ेगा। बाकी के DSC जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सरपंच, ग्राम सेवक के, या फिर जो भी आपके कंपनी के DSC जो आप रेलवे वगैरह में यूज करते, वो सभी पेपर वाले ही है, पेपरलेस नहीं है।
ये अभी हमारे पास अपडेट्स है, जैसे और जी टेंटिंग के अपडेट्स होंगे वो मैं आपको आगे के वीडियोस में आपको बताते रहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।